पूज्य समाधा आश्रम नागपुर के तत्वावधान में परम पूजनीय ब्रह्मलीन सदगुरु स्वामी शिवभजन महाराज के जन्म उत्सव की स्मृति में तथा वर्तमान गद्दीनशील पूज्य सदगुरु स्वामी नारायण भजन महाराज के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में जयपुर फूड कैंप विगत 15 वर्षों से हर दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। अब वह शिविर पिछले वर्ष नवम्बर से हर महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। उपरोक्त जयपुर फूड शिविर ने सभी दिव्यांगों को रजिस्ट्रेशन हेतु आधार कार्ड व विकलांगता प्रमाण पत्र का फोटो, दिलीप हेमराजानी 9021728949, दर्शन थारवानी 9766546429, साथ ही संजय वजीरानी 9370384068 को व्हाट्सएप करना है। आधार कार्ड व विकलांगता प्रमाण पत्र की जेरोक्स कॉपी साथ मिलाना है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। वर्षों से हमने पूज्य समाधा आश्रम जरीपटका में जयपुर फूड कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं। हमारे स्वामी शिवभजन महाराज जी के जन्म तिथि के अवसर पर ये हर साल किया जाता था। हमारे वर्तमान गद्दीनशीन साहब नारायण भजन साहब ने जो ये सेवा कार्य और आगे बढ़ाए, हमारे पूज्य समाधा आश्रम शिकारपुर से लेके मेडिकल की कई सेवाएं चल रही है। जैसे समाधा आश्रम पाकिस्तान शिकारपुर में बाबा रूप भजन चैरिटेबल हॉस्पिटल, अमरावती में बाबा रूप भजन चैरिटेबल हॉस्पिटल, वैसे ही नागपुर में संपूज्य समाधा आश्रम में समाधा दवाखाना चलता है, जिसमें जयपुर फुट हर दो साल में की जाती थी। लेकिन जो विकलांगों को तकलीफें आती थी उसके बाद उसको मद्देनजर रखते हुए पिछले नवंबर से हमने ये प्रतिमा हर महीने के हर दूसरे रविवार को ये शिविर करते हैं। वैसे ही हमारे समाधा आश्रम में दवाखाना चलता है, जिसमें फिजियोथेरापी, पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर, जनरल ओपीडी, आई ओपीडी, स्किन ओपीडी और डेंटल ओपीडी और फिजियोथेरापी जो नाम मात्र में सेवाएं दी जाती है, उसी प्रकार समाधा मेडिकल ट्रस्ट के द्वारा बेड, कमोड, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बायपेप और कमोड कुर्सियाँ, व्हील चेयर वगैरह भी निःशुल्क दी जाती हैं। वो नाम मात्र के डिपॉजिट लेके रखी जाती है, जो आप जब वापस करेंगे तो वो नाम मात्र जो डिपॉजिट आपका है वो वापस रहेगा। उसी प्रकार समाधा सिंधी मैरिज ब्यूरो भी हमारे यहाँ चलता है, जो 24 जो महीने के 30 दिन शुरू रहता है, सवेरे 11 से 1 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक। उसमें साल में 3 हम परिचय सम्मेलन करते हैं, तलाश शुदा का जो वर्चुअली होता है और उच्च शिक्षित लोगों का जो अभी 8 दिसंबर को जगत सेलिब्रेशन में सिंधी सोशल फोरम के सहयोग से आयोजित किया गया है। समाधा गौशाला है नारा में, जहाँ पे नाम मात्र के शुल्क पर हम लोग वहाँ पे दूध वितरण करते हैं। उसी प्रकार समाज के इतर जैसे अंतिम संस्कार होने के बाद अस्थि कलश रखे जाते हैं, वो हमारे में ऐसा है कि तीसरे दिन हम घाट से लाते हैं, इतर समाज के लोग तीसरे दिन जाके कनान या कोलार में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा है कि हम तीसरे दिन वहाँ से लाते हैं, यहाँ रखते हैं और यहाँ से 10वें दिन लेके जाके नासिक, हरिद्वार या जिसकी जैसी परिस्थिति रही वैसे विसर्जित करते हैं। तो वो जो 7-8 दिन अस्थियाँ रहती है वो पूज्य समाधा आश्रम में आज से 22 से 25 सालों से वो सेवा निःशुल्क रूप से चलती आ रही है। वैसे ही हमारी अभी समाधा कैंप चालू है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको करें। शिविर में सुबह 9 बजे से दिव्यांगों की मौज माफ करके उसी दिन शाम 6 बजे उन्हें जयपुर फूड कैलिपर्स जूते, बैसाखी एवं स्प्रिट्स वितरित की जाते हैं। भोजन की उचित व्यवस्था निःशुल्क रहती है। उसी प्रकार पूसन नागपुर में अन्य मानवीय सेवा भी की जाती है, जैसे समाधा दवाखाना जिनमें नामग्रस्त शुल्क पर जनरल ओपीडी, नेत्रालय, नाक कान गला, ENT, दंत रोग डेंटल, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्किन ओपीडी, होम्योपैथी ओपीडी भी चलती है। हर महीने के प्रथम रविवार को निःशुल्क शुगर कैंप व किसी भी एक रविवार को मल्टी हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है। शव वाहन व शव पेटी नाम मात्र शुल्क पर दी जाती है। कंप्यूटर क्लासेस रहते हैं। वर्ष में 3 सिंधी मैरिज ब्यूरो परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, तलाकशुदा, उच्च शिक्षित व सामान्य लड़के लड़कियों के लिए। नारा में गौशाला मानवीय सेवा कार्यों में इस यज्ञ में समाज पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। Awesome.